हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेड दही वड़ा बनाकर दिखाने जा रही हूँ। ब्रेड दही वड़ा दाल दही वड़ा का एक इंस्टेंट और स्वादिष्ट रूप है। इसे आप शाम के नाश्ते, स्नैक्स या अपेटाइजर के रूप में बना सकते हैं और ये घर में बहुत ही जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए ब्रेड दही वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड दही वड़ा बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमें 8 पीस। मैंने यहाँ व्हाइट ब्रेड यूज किया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट चाहिए बारीक कटी हुई, बादाम, काजू और किशमिश। गाढ़ी दही 1 बड़ी कटोरी, जिसे मैंने बलबल के कपड़े में बांधकर एक्सेस वाटर निकालकर तैयार किया है। बेसन चाहिए हमें 200 ग्राम बैटर बनाने के लिए। नमक चाहिए हमें स्वादानुसार। पानी चाहिए हमें बैटर बनाने के लिए। ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। दही, ये दही हमने अच्छी तरह से फेंट कर तैयार किया है। दही बड़ा जब तैयार हो जाएंगे उसके ऊपर से डालने के लिए। और मसालों में हमें चाहिए 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1/3 टेबल स्पून गोलकी पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, अनारदाना 4 टेबल स्पून, धनिया पत्ता 2 टेबल स्पून, इमली की मीठी चटनी 1 छोटी कटोरी, धनिया पत्ता की तीखी चटनी 1 छोटी कटोरी, चीनी चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। और ऊपर से गार्निश करने के लिए दही बड़ों को सेव मैंने लिया, ये ऑप्शनल है, 3 टेबल स्पून। ब्रेड दही वड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड को गोल आकार में काट कर तैयार कर लेंगे। तो आइए अब हम इसे गोल आकार में काट लेते हैं इस छोटे से ग्लास की सहायता से। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए काफी आसानी से कट जाएगी, ये देखिए। और ऐसे ही हमें बाकी के सारे ब्रेड को काट कर तैयार कर लेना है। और ये जो बचे हुए ब्रेड्स के साइड्स हैं, इसे मैं ब्रेड पोहा या ब्रेड कटलेट में यूज कर सकती हूँ। आप चाहे तो इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो हमारे सारे ब्रेड के स्लाइसेस कट कर तैयार हैं, देख सकते हैं आप। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें अपनी बेसन ऐड करेंगे। अब इसमें 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 बड़ी चम्मच 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से एक विस्कर की हेल्प से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर आप पानी की सहायता से इसे स्मूथ बैटर के रूप में तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। आप धीरे धीरे इसमें पानी ऐड कीजिए। आप अगर एक बार में ज्यादा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्प्स हो जाएगी, इसलिए आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका बैटर एक स्मूथ बैटर बनाएं। अब आप देख सकते हैं कि मेरी बेसन की बैटर बिल्कुल बनकर तैयार है और हमें इसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में रखनी है। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें दही बड़ा की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी गाढ़ी दही डाल लेते हैं और इसमें बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसमें 1/3 टेबल स्पून नमक या फिर स्वादानुसार, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया करेंगे और ये तैयार है हमारी दही बड़ा की स्टफिंग। सबसे पहले हम जो गोल गोल कटे हुए ब्रेड थे इसे लेंगे और एक ब्रेड ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी इसे 1 टेबल स्पून डाल के इसे ऐसे फैलाते हुए फिर दूसरे ब्रेड को हम इसके ऊपर अच्छे से लगाकर और थोड़ा सा प्रेस करके इसे सेट कर देंगे।
तो ये हमारी ब्रेड दही वड़ा तैयार हो गई है। अब इसे हम बेसन में लगा कर फ्राई करेंगे। तो आप बाकी के ब्रेड को भी इसी तरह तैयार कर ले दही वड़ा बनाकर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ब्रेड दही वड़ा तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बैटर में लगाकर इसे फ्राई करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। चलिए अब एक दही वड़ा को हम लेके इस बेसन के घोल में डालकर इसे अच्छी तरह से लपेट कर और इसी तरह हम बाकी के दही वड़ों को भी बेसन में लपेट कर छान लेंगे। ब्रेड दही वड़ा हमारे फ्राई हो रहे हैं। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ब्रेड दही वड़ा फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट पे टिश्यू पेपर डालकर इस पे ब्रेड दही वड़ों को निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो हमारा टिश्यू पेपर पे निकल जाए। ब्रेड दही वड़ा फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग, अब हम दही में एक चम्मच चीनी और आधे चम्मच नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी दही तैयार हो चुकी है। अब हम एक प्लेट लेंगे दही वड़ा को सर्व करने के लिए और अपनी एक दही वड़ा को इसके ऊपर रखकर सबसे पहले हम इस पे दही डालेंगे अच्छी तरह से और अब इसमें थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी डालेंगे ऐसे। आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा ज्यादा और कम कर सकते हैं। और अब इसमें धनिया पत्ता की तीखी चटनी डालेंगे। और अब इसमें मसाले डालेंगे, चाट मसाला थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें थोड़े से अपने अनारदाना डालेंगे, थोड़ा सा सेव और थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालकर इसकी गार्निशिंग फुल कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड दही वड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये काफी ही स्वादिष्ट बनी है और आप इसे अपने घर में जरूर बनाकर खाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।